अगर ये दोनों असेंबलियां एक साथ तहलील हो रही हैं, तो क्या हुकूमत इस बात पर कन्विंस हो गई है कि दोनों असेंबलियों का, पंजाब का और केपीके का, अप्रैल में इलेक्शन करवा लें? देखिए, पार्टी में दो आरा थी पंजाब असेंबली को लेके। राणा सनाउल्ला साहब इस बात के हामी थे और बरमला उन्होंने इजहार किया कि अगर ये तोड़ते हैं इनको तोड़ देनी चाहिए, हमें कोई तरीके से एतमाद जमा नहीं करानी चाहिए, कोई एतमाद के वोट का नहीं कहना चाहिए और क्योंकि ये टूटेगी तो फायदा हमारा है। देखिए, पंजाब में हम पहले ही ऑपोजिशन में थे और जब हम ऑपोजिशन में थे हम उससे बदतरीन पोजिशन पर तो जा नहीं सकते थे, तो हमें तो फायदा ही हुआ कि तहलील हो गई। बिल्कुल हमारी ये एक कोशिश भी थी, हमारी तवक्कुआत भी थी कि शायद हम वो नंबर पूरा कर लें और रन ऑफ इलेक्शन में अपना सीएम बना लें, मगर मैं समझता हूं कि एक तरीके से बेहतर हो गया कि उस मरहले से बच गए और ये इन्होंने खुद ही अपनी हुकूमत तहलील कर दी। तो हम तो वक्त पे जो भी आईनी मुद्दत है उसके तहत इलेक्शन के लिए ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि अब पूरी तरह इलेक्शन मोड में जाने लगे हैं।